தினம்தோறும் விளக்கேற்ற நல்ல எண்ணெய் இதயம் நல்லெண்ணெய். தொழிற்சாலை மற்றும் நிறுவனத்தின் மின்சார தேவையை வங்கி நிதி உதவியுடன் சொந்தமாக சோலார் பிளான்ட் அமைத்து முழுமையாக நீங்களே பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு வேலன் இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் சென்னை. आज के बिल पर दो तीन सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे हैं। मैं मेरे मंत्रालय की ओर से इन सभी का धन्यवाद रखना करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं इस महान सदन के सामने एक महत्वपूर्ण बिल लेकर आया हूं, जो न केवल बहुराज्यीय सहकारी समितियां, परंतु इसको एज अ कंसेप्ट स्वीकार करते हुए प्राथमिक सहकारी समितियां और राज्य की सहकारी समितियों में भी एक प्रकार के संस्कार और कार्य संस्कृति का निर्मित करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, जब से देश आजाद हुआ तब से सहकारी क्षेत्र के अंदर काम करने वाले सभी कार्यकर्ता यह चाहते थे कि सहकारी क्षेत्र को केंद्र सरकार की ओर से तवज्जो दी जाए। सहकारी क्षेत्र को तवज्जो देने के लिए भारत सरकार में सहकारिता मंत्रालय अलग बनाया जाए। मैं आज देश भर की 8 लाख सहकारी समितियां, करोड़ों किसान और 60 करोड़ ग्रामीण गरीबों की ओर से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने सहकारी मंत्रालय की स्थापना की। माननीय अध्यक्ष जी, सहकारिता क्षेत्र हमारे देश में लगभग 115 साल पुराना है और सहकारिता क्षेत्र ने कई ऐसे महत्वपूर्ण उपक्रम देश को नजीर किए हैं जो आज लाखों लोगों को रोजगारी दे रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण जरूर देना चाहूंगा। अमूल हमारा गुजरात का एक सहकारी उपक्रम जो दूध उत्पादकों का राज्य स्तर का फेडरेशन है, उसमें आज 36 लाख बहनें हर रोज दूध देकर 58,000 करोड़ रुपए का व्यापार करती है। और मैं इस बात पर भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 58,000 करोड़ का व्यापार वाला जो ये उपक्रम है, वो उपक्रम में किसी ने 100 रुपए से ज्यादा पूंजी नहीं लगाई है। सिर्फ 100 रुपये की पूंजी से 58,000 करोड़ रुपए का उपक्रम बना है। इसी तरह से क्रिप्टो, इसको पहले लिज्जत था, इस प्रकार कई बड़े बड़े उपक्रम देश में सहकारिता माध्यम से चले, परंतु विगत 75 साल में ना सहकारिता आंदोलन पर कोई ध्यान दिया गया, ना उसके कानूनों में पुनर्रचना का सार्वजनिक रूप से चर्चा हुआ, ना देश की संसद में राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर सहकारिता आंदोलन को बदलने के लिए मंथन किया गया। मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय नया बनाने के बाद मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आने वाले 25 साल में, मतलब जब देश आजादी की शताब्दी मना रहा होगा, तब सहकारिता आंदोलन फिर से पुरजोश तरीके से देश के विकास में अपना योगदान देगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये 2 साल में सहकारिता आंदोलन में आमूलचूर परिवर्तन करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। सबसे पहला काम पैक्स, जो पैक्स सहकारिता आंदोलन की आत्मा होती है, वो पैक्स को पुनर्जीवित करना, वो पैक्स को वायबल करना, पैक्स के अंदर पारदर्शिता लाना और पैक्स को बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल बनाने के लिए ढेर सारे प्रयास किए हैं।
अगर पैक्स में पारदर्शिता लानी है, पैक्स को आधुनिक बनाना है, तो उसकी सबसे पहली जरूरत थी कि पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, ये मंत्रालय बनने के बाद पहली कैबिनेट नोट मोदी जी ने हमारे मंत्रिमंडल में अप्रूव की, 63,000 पैक्स को 2,500 करोड़ रुपया देकर संपूर्ण भारत के पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करने का काम किया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, पैक्स के कंप्यूटराइजेशन से पैक्स डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के साथ जुड़ेंगे, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ जुड़ेंगे, और साथ में नाबार्ड के साथ भी सीधा उनका जुड़ाव हो जाएगा। ऑडिट की प्रक्रिया संपूर्ण रूप से ऑनलाइन होगी और सिस्टम इंटीग्रेटर फाइनल होने के बाद पैक्स कई प्रकार के नए व्यवसायों में जुड़ेंगे, जिससे इसकी वायबिलिटी में बहुत बड़ा फायदा होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, हमने दूसरा काम किया, पैक्स के लिए एक मॉडल बायलॉज बनाकर सभी राज्यों को भेजा गया। जैसे पैक्स राज्य सरकार के सहकारिता कानून में आते हैं, परंतु सहकारिता मंत्रालय ने एक मॉडल कानून बनाया और सभी राज्यों को एडवाइजरी के रूप में भेजा। मुझे आनंद है कि बंगाल और केरल छोड़कर सभी राज्यों ने इसको स्वीकार कर लिया और आज देश भर के पैक्स एक ही कानून से मान्यवर चल रहे हैं। पैक्स अब डेयरी भी बन पाएंगे, पैक्स अब मछुआरा समिति भी बन पाएंगे और पैक्स ढेर सारे काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हमने अब एफपीओ, जो पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप कंपनी और प्रोप्राइटरशिप तक सीमित था, अब पैक्स एफपीओ का भी काम करेगा और 1100 पैक्स एफपीओ के नाम से रजिस्टर हो चुके हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी ने एक प्रकार से 13 करोड़ गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया है। ढेर सारे सिलेंडर देने के कारण बहुत सारी वितरण करने वाली संस्थाओं की जरूरत खड़ी हुई है। अब पैक्स नए बायलॉज के हिसाब से एलपीजी का वितरण का काम भी पैक्स कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी देश के 60 करोड़ गरीबों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इस रिटेल आउटलेट पर भी अब पैक्स का अधिकार होगा और पैक्स रिटेल आउटलेट। माननीय अध्यक्ष जी, नरेंद्र मोदी जी ने 60 करोड़ लोगों के लिए जेनरिक दवाइयों के दुकानें खोली है, जिसको जन औषधि केंद्र के नाम से पूरा देश जानता है। ये जन औषधि केंद्र पहले पैक्स नहीं चला पाते थे, अब पैक्स जन औषधि केंद्र भी चला पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, रुपए क्रेडिट कार्ड पहले पैक्स और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के लिए नहीं था, अब विगत महीने जो निर्णय हुआ है, इससे रुपए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों पैक्स के मेंबरों को दिए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों के लिए हर घर में नल से जल का कार्यक्रम किया। नल से जल को पहुंचाएंगे, यंत्रणा को अगर नियमित रूप से कोई मेंटेन नहीं करता है तो जल आपूर्ति आबाद तरीके से नहीं चल सकती। जल आपूर्ति को आबाद तरीके से चलाना है तो पानी समिति चाहिए, जो गांव की पानी की वितरण की व्यवस्था को मेंटेन करे। अब पैक्स ये पानी समिति बनकर वितरण व्यवस्था का भी काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ पैक्स को हमने एक भंडारण क्षमता के साथ जोड़ने का भी काम किया है और पैक्स अब भंडारण का भी काम करेंगे, जो एफसीआई किराए पर लेगी तो गांव का अनाज गांव में ही भंडारण होगा और गांव में ही गरीब के घर में बिकेगा। तो इससे पैक्स को एक नए प्रकार की इनकम का फायदा होने वाला है।
माननीय अध्यक्ष जी, गत बजट में मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि मोदी जी ने सालों से सहकारिता के साथ अन्याय होता था, कोऑपरेटिव और कॉर्पोरेट दो टैक्स अलग, मोदी जी ने और वित्त मंत्री जी ने गत बजट में सहकारिता समितियां और कॉर्पोरेट कंपनियों के टैक्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया है। सहकारी समितियों के आयकर पर लगने वाले अधिभार में कटौती कर दी गई है। आयकर अधिनियम की धारा 369 के तहत नगद लेन देन में भी 2 लाख तक की परमिशन दी है, जो पहले 20,000 तक ही थी। माननीय अध्यक्ष जी, सहकारी बैंकों को जो कठिनाइयां पड़ती थी, मैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात करता हूं, इसको वन टाइम सेटलमेंट करने का अधिकार अब राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरह ही कोऑपरेटिव बैंकों को दे दिया। इसके साथ साथ नई 10% नई ब्रांच अगर खोलनी है तो रिजर्व बैंक की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, पीएसएल लक्ष्यांकों के प्रति भी समय सीमा 3 साल तक बढ़ाने का काम किया है, जिससे अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को बहुत बड़ा फायदा होगा। आरबीआई में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के समस्याओं के लिए एक नोडल अधिकारी को भी नामित किया गया है। आरबीआई ने डोर स्टेप बैंकिंग के लिए अब नेशनलाइज और प्राइवेट बैंकों के साथ साथ कोऑपरेटिव बैंकों को भी परमिशन दे दिया है, तो वो डोर स्टेप सेवाएं भी दे पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के किसान अपने गन्ने को कोऑपरेटिव मिलों में भेजते हैं, मगर जब गन्ने मिल की नफा किसान के पास जाता था तब 30% इनकम टैक्स काटा जाता था और किसान के गाढ़े पसीने की कमाई इनकम टैक्स में चली जाती थी। मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने किसान को देने वाले मुनाफे पर से टैक्स को पूर्णतया सिर्फ हटा दिया है। इतना नहीं, पास्ट में जो टैक्स दिया था वो 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ रुपया वापिस देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। माननीय अध्यक्ष जी, 3 नई बहुराज्यीय कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई है। पहली बहुराज्य कोऑपरेटिव सोसाइटी किसान की उपज को निर्यात करने के लिए प्लेटफॉर्म के नाते काम में आएगी। किसान ने अगर वो उपज उसकी प्रोडक्ट को उसके क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना है तो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उसको जाना पड़ेगा, परंतु किसान के पास ना इतनी क्षमता थी, ना इतना ज्ञान था, ना इतनी पूंजी थी, तो किसान अगर सब कुछ पैदा करता है तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। किसान अगर जीरा उत्पादन करता है तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। अगर वो लौंग उत्पादन करता है तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। वो इलायची उत्पन्न करता है तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। ये निर्यात समिति एक किसान का 100 किलो से ज्यादा जो भी मटेरियल होगा उसको एक्सपोर्ट करने का प्लेटफॉर्म बनेगी और ये बहुत महत्वपूर्ण बनेगी। इसके साथ साथ हमने एक और सहकारी समिति बनाई है जो बीजों के उत्पादन छोटे किसानों को जोड़ेगी। अब तक बीज के उत्पादन में बड़े किसान ही जुड़ पाते थे, परंतु अब सहकारी समिति की प्राथमिक सहकारी समिति के माध्यम से ये बहुराज्य बीज उत्पादक सहकारी समिति 1 एकड़ या आधा एकड़ का किसान को भी बीज उत्पादन के साथ जोड़ेगी और मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ वो सहकारी समिति सारी फॉर्मेलिटी करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी ने खाद के प्रयोग को कम कर करोड़ों हिंदुस्तानियों और दुनिया भर के स्वास्थ्य को ठीक करने का बीड़ा उठाया है, धरती के स्वास्थ्य को भी ठीक करने का बीड़ा उठाया है, इसलिए ऑर्गेनिक क्रॉप बढ़ रहा है, प्राकृतिक खेती बढ़ रही है,
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में फर्टिलाइजर का उपयोग कम हो रहा है, मगर आज किसान प्राकृतिक खेती तो करता है परंतु इसको अपनी प्रोडक्ट का उचित दाम नहीं मिलता है। तो एक नई सहकारी समिति भारत सरकार ने बनाई है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का देश और दुनिया में मार्केटिंग कर किसानों को उचित भाव दिलाने का काम करेगी। हमने सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी चीनी मिलों को NCDC के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए का लोन देकर इथेनॉल संयंत्र लगाने का भी हमने फैसला किया है। माननीय अध्यक्ष जी, सहकारी शिक्षण के लिए आने वाले दिनों में भारत सरकार एक कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का बिल लाकर राष्ट्रीय स्तर पर नई सहकारिता प्रशिक्षण का विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रही है, जिससे ये सारी गतिविधियों में आगे बढ़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में सहकारिता का कोई डेटाबेस नहीं था। हमने तय किया कि 8 लाख समितियां और इसके साथ साथ ड्राई एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए कहां पर सहकारी समिति नहीं है, इसको इंगित करने के लिए हम राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी डेटाबेस बनाएंगे। ये राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस बनाने का काम शुरू हो गया है। मुझे सदन को बताते हुए आनंद होता है कि 95% काम समाप्त हो गया है। इस विजयादशमी के पहले हम राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस को प्रधानमंत्री जी के हाथ से ऑनलाइन करने का काम करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 2003 के बाद कभी सहकारी नीति नहीं आई। जब अटल जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, तब सहकारी नीति आई थी। 2003 से 2020 में कभी सहकारी नीति नहीं आई। हम विजयादशमी के पहले ज्यादा से ज्यादा दीपावली के पहले नई राष्ट्रीय सहकारी नीति भी लेकर आएंगे, जो आने वाले 25 साल का सहकारिता का मानचित्र समग्र देश और दुनिया के सामने रखेगी। माननीय अध्यक्ष जी, हमने केंद्रीय पंजीयन कार्यालय को कंप्यूटराइज करने का काम किया है और आज इस सबकी आगे की कड़ी में मैं आज का एक विधेयक लेकर आया हूँ, वो विधेयक पर मैं आप बात करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से समग्र देश को कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने इस देश के 60 करोड़ गरीबों को इस 9 साल में गरीबी से मुक्त करने का बहुत बड़ा यज्ञ शुरू किया है। ये कांग्रेस पार्टी का नारा था, गरीबी हटाओ। उन्होंने गरीबी नहीं हटाई, गरीब को हटाने का काम, गरीबी हटाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के गरीब को बैंक अकाउंट देकर अर्थतंत्र के साथ जोड़ा। नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब को गैस देकर महिलाओं को धुएं से बचाया। मोदी जी ने हर गरीब को शौचालय देकर महिलाओं का सम्मान किया। मोदी जी ने हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाकर उसको उजाला देने का काम किया। मोदी जी ने हर गरीब को 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी। मोदी जी ने हर गरीब को प्रति माह 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देकर उसको कल क्या खाना है इसकी चिंता से मुक्त कर दिया। मोदी जी ने वजीफा बढ़ाकर बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था की और गांव के अंदर सारी सुविधाएं करी। अब जरूरत है उसको रोजगारी। माननीय अध्यक्ष जी, जिसके पास पूंजी नहीं है उसको रोजगारी कैसे मिलेगी? उसको रोजगारी मिलने का एकमात्र जरिया है किसानी और कोऑपरेटिव मूवमेंट। और किसानी और कोऑपरेटिव मूवमेंट को ज्यादा स्ट्रेंथी करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने
इस सहकारिता आंदोलन की मजबूती के लिए सहकारी टीम मंत्रालय बना है। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं जो बिल लेकर इस सदन के सामने उपस्थित हुआ हूँ, उस बिल के बारे में अब मैं बात करना शुरू करूँ। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे राज्य में, देश में एक बहु राज्य सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक केंद्र का विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में एक बहु राज्य सहकारी समिति केंद्र का विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, सालों से 97वां संविधान संशोधन अटल जी कर गए थे, मगर किसी ने 97वें संशोधन को लागू नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पारदर्शिता, जवाबदेही और उसका मुनाफा बढ़े, इसलिए ये बिल को पारित किया है कैबिनेट में, जो आज मैं सदन के सामने लेकर आया। माननीय अध्यक्ष जी, जो सहकारी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी विधेयक लेकर मैं आया हूँ, इसकी धारा 45A से L को निर्वाचन सुधारों के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ अक्सर फरियादें होती थी के सहकारिता में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, सरकार किसी भी दल की हो मगर राजनीतिक हस्तक्षेप की फरियादें होती थी। अब हम 45 और 45A से L तक में एक प्रोविजन लेकर आए हैं, जो चुनाव आयोग बनाने का प्रोविजन है, निर्वाचन प्राधिकरण बनाएगा जो स्वतंत्र रूप से चुनाव करेगा। तो इससे सरकारी दखल कम हो जाएगी, निर्वाचन प्राधिकरण के सभापति की जो शक्तियां हैं वो लगभग लगभग चुनाव आयुक्त के समकक्ष कर दी गई है, इससे सरकार का दखल नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इसके साथ साथ तय किया है कि बोर्ड की एक तिहाई संख्या अगर खाली हो जाती है तो फिर से चुनाव करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इसके साथ साथ एक सुधार लेकर आए हैं कि बोर्ड की बैठकों में अनुशासन, सहकारी समितियों के कार्यलाभ और धारा 50 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों को तीन माह के अंदर एक बोर्ड मीटिंग बुलाने के लिए कंपल्सन करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, उपसभापति या सभापति ये बोर्ड नहीं बुलाते हैं तो हमने तय किया है कि सीईओ की जिम्मेदारी होगी कि बोर्ड बुला ले और मीटिंग पे नियमित हो जाए। कई बार बहुमत खो देने की स्थिति में कई बार मीटिंग ही नहीं बुलाई जाती, अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। और सीईओ द्वारा मीटिंग बुलाने के लिए अगर 3 मास में मीटिंग बुलाइए फिर भी 50% सदस्य लीक कर देंगे तो कंपलसरी मीटिंग बुलानी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष जी, सहकारी सोसाइटी के शासन में पारदर्शिता लाने के लिए इक्विटी शेयर धारक को बहुमत का प्रावधान भी हमने सुधारा है। सदस्यों में अनुशासन धारा 30 के द्वारा कोई भी सदस्य अगर गैर रीति के कारण निष्कासित हुआ है तो पहले वो फिर से चुनाव लड़ सकता था, अब 3 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इस सहकारी समितियों में एक SC या एक ST और एक महिला इसको रिजर्वेशन देने का काम किया है, जिससे ST, SC और महिलाओं का प्रतिनिधित्व इसके अंदर बढ़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, निदेशक बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए कंकरेंट ऑडिट की हमने व्यवस्था की है। 500 करोड़ से ज्यादा जिसका टर्नओवर है वो सारी सहकारी समितियों को
कंपलसरी कंकरेंट ऑडिटर रखना पड़ेगा और वो ऑडिटर आरबीआई की पैनल से ही रख पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, विभिन्न विभिन्न संवैधानिक अपेक्षाओं का अनुपालन ना करने के लिए अगर बोर्ड के मेंबर नहीं करते हैं तो धारा 43 से उसको बोर्ड के मेंबर रहने के लिए अयोग्य घोषित करना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं भी सहकारिता आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं। सहकारिता आंदोलन में बहुत सारा आरोप लगता था कि जो लोग सहकारिता समिति चला रहे हैं वो ही लोग अपने चाचा मामा चाचा का बेटा भाई साला साली उसको नौकरी देते थे। अब हमने तय किया है कि कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया में किसी भी ब्लड रिलेशन नहीं डिस्टेंस रिलेटिव को नौकरी नहीं दी जा पाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, हमने संपरीक्षण और सदाचार और यौन उत्पीड़न के लिए एक कमेटी बनाने का भी प्रावधान किया है। हमने सूचना के अधिकार को भी इसके अंदर शामिल किया है जिससे सूचना अधिकारी की अपनी भर्ती। माननीय अध्यक्ष जी, धारा 72(3)(a) में हमने रिजर्व बैंक के रेगुलर पैनल से ही सादा ऑडिटर और कंकरेंट ऑडिटर को रखने का प्रावधान किया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने पूंजी बढ़ाने के लिए भी कई सारे उपाय किए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे पूरा भरोसा है कि बिल ये सदन के पारित करने के साथ ही देश के सहकारिता आंदोलन में एक नए युग की शुरुआत होगी और बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाले दिन होंगे। मैं समझ सकता हूँ अभी जो नारे लगा रहे हैं उनको ना सहकार में इंटरेस्ट है, ना सहकारिता में, ना दलितों में इंटरेस्ट है, ना महिलाओं के कल्याण में इंटरेस्ट है, तो उनके नारे लगाना बहुत स्वाभाविक है। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूँ, सरकार को कोई डर नहीं है, चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर वो चर्चा करने आ, हमें कुछ छुपाना नहीं है। हमने दोनों विपक्ष के नेताओं को मैंने आज पत्र लिखा है। मैं कहता हूँ कि जनता आपको देख रही है, चुनाव में जाना है, जनता के खौफ को ध्यान में रखे और मणिपुर जैसे संवेदनशील इश्यू पर चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनाइए, ऐसी मेरी विनंती है। आपका धन्यवाद।